कोणत्या सत्याला दाखल होते त्याची कारण सुरुवात झालेली आहे. वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज निशान शंभरकर एंड वी आर वाचिंग अवर चैनल सीक्रेट बातें फॉर यू. अब देखिए दोस्तों, आज मैं आया हूँ नागपुर के दीक्षा भूमि में, जहाँ पर दोस्तों हमारा जो है वॉक फॉर संविधान, ये जो रैली है यहाँ पर आयोजित की जाने वाली है. तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैं आया हूँ और यहाँ जो है उतनी ज़्यादा तो भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये जो रैली के लिए जहाँ पर मैं आया हूँ वो रैली हमको यहाँ पर मिल सके. उसके बाद दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जो है यहाँ के जो संविधान चौक है वहाँ पर जाऊँ, और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जो है आगे का जो भी वीडियो है वहाँ पर मैं शूट करूँ, ऐसा मैं यहाँ पर चाहता हूँ. तो दोस्तों अगर आप दोस्तों आज मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाना ना भूले, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत में पहुंच सके. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो. सामाजिक सामाजिक वह राजनैतिक न्याय विचार विचार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विश्वास विश्वास श्रद्धा श्रद्धा व उपासना उपासना यांचे स्वातंत्र्य यांचे स्वातंत्र्य. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे में यहाँ पर स्कूल के बच्चे आ गए हैं, और स्कूल का जो नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि कामठी में है. सभी को पता ही होगा आप लोगों को, नागपुर के कामठी में जो है ये स्कूल यहाँ पर है. तो इन बच्चों को भी यहाँ पर जो है ये बताने आए हैं कि आज जो है यहाँ का जो है संविधान दिवस है, और एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनको संविधान के बारे में जो है मालूम होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप सभी को पता है कि जो देश है ये हमारा जो है संविधान के बेस पर चलता है, यहाँ पर जो भी नियम लागू किए गए हैं उस नियम को हमको फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये सब चीज़ें आज की जनरेशन को, आज के जो बच्चे हैं, इन सबको यहाँ पर ये मालूम रहना चाहिए. तो उसी के साथ साथ जैसे मैं अभी देखा कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है अम्बेडकर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर भी अभी आके गए हैं. तो ये देख सकते हैं टॉप पर यहाँ पर एक काम चालू है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे. ये देख सकते हैं बहुत ही ऊँची ये जो है गुंबद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए. Thank you.
है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अभी मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों संविधान चौक में। अभी जिस रैली की मैं बात कर रहा था वॉक फॉर संविधान, ये जो रैली है दोस्तों ये पहुँच चुकी है संविधान चौक में, तो वहीं पर हम लोग मिलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सो ऐसा है कि अब मैंने जिस रैली की बात यहाँ पर किया वो रैली के पास मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, संविधान चौक के पास मैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखा कि रैली किस तरह से यहाँ से जो है चल चुकी है। अब ये जो है पूरे संविधान चौक का पूरा एक राउंड मार के 2 किलोमीटर की ये जो रैली है यहाँ पर जाएंगी और वहाँ से रिपीट यहीं पर आने वाली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस आपको मैं इतना ही बताना चाहता था कि आज जैसे कि संविधान का ये जो दिन है इसको किस तरह से हमारे इस नागपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। फाइनली यहाँ पर अपना जो ब्लॉग है यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको आज का वीडियो कैसे लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताना ना भूले। नागपुर के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो दोस्तों मैं बनाते जाऊँगा जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।